अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सादा नान और रोगरी नान बनाने की रेसिपी दूंगी। और ये डो बनाते हैं, ये 1 किलो मैदे की रेसिपी है। एक बाउल में थोड़ा सा लुकवार्म वाटर डालें और इसमें 1 टीस्पून ईस्ट डालें। और 1 टीस्पून शुगर डालें। मैं ब्राउन शुगर ले रही हूँ, आप वाइट भी ले सकते हैं। अब इसे राइस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में हम 1 kg प्लेन फ्लावर डाल देंगे, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1.5 टीस्पून मैं इसमें साल्ट डाल रही हूँ, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून अनियन सीड डाल रही हूँ, ये ड्राई अनियन सीड्स हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर हीप, आप 4 टेबलस्पून योगर्ट डालेंगे। ऐसे गूंद के डो बनाते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। अब इसकी सादा चपाती की डो जैसे हम गूंदते हैं, उस तरह आप इसको गूंद के इस पर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा के एयर टाइट करके रख दें हाफ आवर के लिए। ये देखिए नाज़रीन, हमारे दो राइस हो चुकी है। ये देखें कितने अच्छे से राइस हुई है। अब हम इसको इक्वल पार्ट में पेड़े बना के रख लेते हैं। अब हम नान बेलते हैं। पहले हम रोगरी नान बनाते हैं। अब इस पर पानी का छींटा लगाएं और सेसमी सीड्स स्प्रिंकल कर दें। अब इसे पहले से हाफ आवर प्रीहीट हुए ओवन में मीडियम शेल्फ पे रख देंगे। 3 से 4 मिनट में ये बेक हो जाएगा। जब इस पर कलर आ जाए तो आप इस पर माजरीन लगाएं। आप इस पर, अगर आपके पास माजरीन नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून पानी और 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर उसका मिक्सचर बनाकर भी लगा सकते हैं। ये आपका रोगनी नान तैयार है। ये देखिए, और हम सादा नान बनाएंगे। अब 2 टेबलस्पून योगर्ट लें और दूध के साथ पतला सा मिक्सचर बना लें। हम नान बेल के ये मिक्सचर उस पर लगाएं और एक सुराखों वाली बोतल लेके आप उसमें सेसमी सीड्स डाल के उससे स्प्रिंकल कर लें। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, इस पर आपने ऑयल या माजरीन नहीं लगाना, इसलिए इसे एज इट इज ही रहने देना है इसको। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। आज मैं सादा नान बना रही हूँ क्योंकि मैंने निहारी बनाई है, उसके साथ सादा नान अच्छे लगेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।